हेलो, मैं हूँ विशेष। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल विशेष एजुकेशन पर। आज इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th का लेसन नंबर 1 अगर्ल विद ए बास्केट की हिंदी मीनिंग को समझेंगे। ठीक है, इसके पहले कई वीडियोज आ चुके हैं जिसमें मैंने इसके हिंदी मीनिंग के बारे में बताया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो सबसे पहले उन वीडियोज़ को देख लें। ठीक है, तो ये उसके आगे का वीडियो है और उसके आगे के पैसेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है कि आई बाट, मैंने खरीद ली 1 टिनी बास्केट, एक छोटी सी टोकरी। ठीक है, इसके पहले की कहानी क्या थी कि विलियम सी डगलस एक स्टेशन पर जैसे ही नीचे उतर कर आए तो छोटे छोटे बच्चे उनके चारों ओर अगर आकर इकट्ठा हो गए थे। ठीक है, तो सभी बच्चे कुछ ना कुछ बेच रहे थे, तो वो सभी लोग विलियम सी डगलस को बेचना चाहते थे क्योंकि बच्चे जान चुके थे कि बहुत अमीर व्यक्ति हैं, समझ गए थे उनको देखकर, और बच्चों को ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा फायदा भी देंगे ये। इसीलिए वो सभी बच्चे जो थे वो अपनी अपनी टोकरियाँ, अपने अपने पंखे, वो लेखक जो थे विलियम सी डगलस, उनको बेचना चाहते थे। तो विलियम सी डगलस ने क्या किया, उन्होंने एक छोटी सी टोकरी खरीद ली फॉर अ फ्यू आना, कुछ आने में। ठीक है, एक आना जो होता है वो करीब 16 पैसे के बराबर होता है। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 1 रुपए में करीब 1500 6 पैसे के बराबर होता है इंडियन जो रुपीज़ अगर बात की जाए तो। पहले कुछ ज़्यादा था, घटता बढ़ता रहता है सर। ठीक है, तो पहले कुछ ज़्यादा था, तो अगर बात की जाए तो 1 रुपए में करीब 16 आने जो हैं वो बनते हैं। 1 रुपए में करीब कितने बन जाते हैं, 16 आने जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, अपने इंडियन रुपीज़ की अगर बात की जाए तो। उन्होंने कुछ आने दे दिए और उसके बदले में उन्होंने एक छोटी सी टोकरी खरीद ली। अनादर फ्रूट बास्केट, एक दूसरी टोकरी उन्होंने खरीदी फल रखने के लिए, फ्रूट फल वाली टोकरी। फॉर अ बिट मोर, थोड़े और ज़्यादा देकर, यानी कि पहले मान लिया अगर उन्होंने 6 आना दिए या पहले मान लिया अगर 5 आने दिए हैं तो कुछ और ज़्यादा दे दिए, 6 दे दिए, 7 दे दिए। ठीक है, कुछ आने और देकर एक फल रखने वाली टोकरी भी खरीद ली। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, एक सुंदर सी वेस्ट पेपर बास्केट यानी कि रद्दी का कागज़ रखने वाली टोकरी खरीद ली, जो कागज़ बेकार हो जाते हैं तो उनको रखने के लिए एक सुंदर सी टोकरी खरीद ली फॉर ए रुपी, 1 रुपया देकर। ठीक है, यानी कि 16 आने देके। उसके बाद ए लवली स्विंग बास्केट, एक सुंदर सी सिलाई की चीज़ें रखने वाली टोकरी खरीद ली फॉर ए रुपी, 1 रुपया देकर। अ फ्यू फैंस, कुछ पंखे खरीद लिए फार आन आना और 2 आना ए पीस, 1 या 2 आने प्रति पीस के हिसाब से, 1 पंखा 1 या 2 रुपए के हिसाब से खरीद लिया उन्होंने। माई आर्म्स, मेरे जो हाथ थे वो फील्ड भर चुके थे एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैंने अभी तक 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। दिया हुआ है कि आई बाट 1 टिनी बास्केट, कि मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीद ली फार अ फ्यू आना, कुछ आने देकर। तो मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीद ली उन बच्चों से कुछ आने देकर। दूसरी कह रहा फ्रूट बास्केट, फल रखने वाली टोकरी खरीद ली फॉर अ बिट मोर, थोड़े पैसे और देकर। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, एक सुंदर सी रद्दी का कागज़ रखने वाली टोकरी खरीद ली, ताकि जो वेस्ट पेपर जो हो जाए, रद्दी के कागज़ जो हों वो उसमें रख सकें। ठीक है, फॉर ए रुपी, 1 रुपए में। तो सबसे पहले एक छोटी सी टोकरी खरीदी, कुछ आने दे दिए उसके लिए। दूसरी एक फल रखने वाली टोकरी खरीदी, कुछ पैसे और दे दिए। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, सुंदर सी रद्दी की कागज़ रखने वाली टोकरी खरीद ली 1 रुपए में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अ लवली सीविंग बास्केट, ठीक है, एक सुंदर सी सिलाई की चीज़ें रखने वाली टोकरी खरीदी, जिसमें सिलाई वगैरह, सुई वगैरह है, रील वगैरह है, धागे वगैरह है, वो सब रखने वाली टोकरी खरीद ली कितने रुपए में, 1 रुपए में। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना आर 2 ए पीस, तो कुछ पंखे भी खरीद लिए, जो पंखे ज़्यादा अच्छे थे उनके लिए उन्होंने करीब 2 आने दे दिए, जो पंखे कम अच्छे थे 1 आने में खरीद लिए उनको। तो माई आर्म्स वर फील्ड, लेखक कह रहे हैं कि मेरे तो कतई हाथ भर गए थे, टोकरियाँ खरीद के 3 4 टोकरियाँ खरीद ली, पंखे खरीद लिए तो हाथ एकदम भर चुके थे। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैंने अभी तक 50 सेंट भी खर्चा नहीं किए थे। ठीक है, तो अमेरिका में सेंट वगैरह चलते हैं जिससे अपने आप पैसा चलता है। ठीक है, ऐसे वहाँ सेंट चलते हैं, ठीक है, पैसा है, रुपया है, ठीक है, ऐसे वहाँ सेंट चलते हैं। तो उन्होंने कहा अभी तक मैंने 50 सेंट भी खर्चा नहीं किए हैं और मेरे हाथ पूरे भर चुके थे। आगे बताया है उन्होंने, द चिल्ड्रन, बच्चे जो थे पास्ड इन, वो मेरे पास आते चले गए साउटिंग देयर वेयर्स, अपने माल अपने सामान के बारे में चिल्लाते हुए, यानी कि अपने पंखे की तारीफ़ कर रहे थे, कोई अपनी टोकरी की तारीफ़ कर रहा था। ठीक है, तो बच्चे उनके पास में और आ गए, ठीक है, उनको और ज़्यादा घेर लिया आकर। आई वॉज ए प्रिजनर, लेखक कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल एक कैदी था वहाँ पर,
कम्प्लीटली सराउंडेड, पूरी तरीके से घिरा हुआ, अनेबल टू मूव, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तो लेखक ने कहा कि जब मैंने कुछ बच्चों की खरीद ली तो बाकी बच्चे भी और आगे आ गए कि हमारी भी खरीद लें टोकरी और पंखे। तो इतने ज़्यादा बच्चे उनके करीब आ गए कि बिल्कुल वो कैदी बन गए, जैसे एक कैदी हो, आसपास सब पुलिस खड़ी है उसके सामने, उसके चारों तरफ। तो बच्चे भी ऐसे लेखक के चारों तरफ खड़े हुए थे, बिल्कुल वो कैदी के समान उनकी स्थिति हो गई थी। पूरी तरीके से वो घिरे हुए थे, इतना ज़्यादा घिरे हुए थे कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। आगे उन्होंने बताया कि द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे ज़्यादा मेहनती, द मोस्ट माने सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा मेहनती, एग्रेसिव, आक्रामक, आक्रामक मतलब वेरी अट्रैक्टिव, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी पर्सन जो अपना ध्यान, लोगों का जो ध्यान है अपनी ओर आकर्षित कर ले, तो उसको बोलते एग्रेसिव। तो सबसे ज़्यादा मेहनती और सबसे ज़्यादा आक्रामक, यानी कि सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली वेंडर, विक्रेता जो थी, वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर सी बच्ची थी, लड़की थी, ऑफ 9 साल की, राइट माने ठीक इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने वो खड़ी थी। तो लेखक ने बताया कि अगर सबसे ज़्यादा कोई मेहनती था और सबसे ज़्यादा अगर कोई आक्रामक जो था, सबसे ज़्यादा अगर कोई आकर्षित करने वाला था, तो वो थी सुंदर सी एक बच्ची 9 साल की जो ठीक मेरे सामने थी। सी हैड अ लवली बास्केट, उसके पास एक बहुत ही सुंदर सी टोकरी थी विद अ हैंडल, जिसमें हैंडल भी लगा हुआ था। एंड सी, और वह वांटेड, चाहती थी ए रुपी, एक रुपये। तो जो लड़की जो थी उसके पास बहुत ही सुंदर टोकरी थी और वह अपनी टोकरी 1 रुपये में बेचना चाहती थी। एंड ए हाफ फॉर इट, या फिर तो पूरा पूरा रेट देखो क्या दिया है, ए रुपी एंड ए हाफ, यानी कि 1.5 रुपया, 1 रुपया और आधा, यानी कि 1.5 रुपया। अभी तक उन्होंने 1 रुपये तक की चीज़ें खरीदी थी, लेकिन उस लड़की के पास एक सुंदर सी टोकरी थी जिसमें हैंडल लगा हुआ था, और वो लड़की अपनी उस टोकरी को कितने रुपये में बेचना चाहती थी, ए रुपी एंड ए हाफ, 1 रुपया और उसका आधा, यानी कि 1.5 रुपया। फॉर आर अबाउट 30 सेंट, या फिर अगर देखा जाए 30 सेंट, ठीक है, या तो अगर इंडियन रुपए के हिसाब से देखे जाए तो 1.5 रुपए, और अगर अमेरिकन हिसाब से देखा जाए सेंट, ठीक है, सब सेंट छोटा होता है, फिर डॉलर जो है बड़ा होता है, तो अगर सेंट में देखे जाए तो करीब 30 सेंट बनने हैं थे, ठीक है, 1.5 रुपए या फिर 30 सेंट। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, अर्नेस्ट प्लीडर माने विनम्र निवेदन करने वाली, बहुत ही विनम्र तरीके से विनती कर रही थी, निवेदन कर रही थी वो। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू भी थे। सी प्लीडेड, उसने प्रार्थना की एंड वेग्ड, और विनती की, इन टोन एनी, ऐसी आवाज़ में, डैट वुड रिंग एनी हर्ट, रिंग माने क्या होता है, द्रवित कर देना, यानी कि दया उत्पन्न कर देना। तो वो लड़की ऐसी आवाज़ में विनती कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, जिसने भीख टाइप की, वेग्ड लिखा है ना, भीख टाइप की, कोई भीख मांग कर विनती करता है, ठीक है। तो वो जो लड़की थी ऐसी आवाज़ में विनती कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, जो किसी के भी हृदय को पिघला देती, किसी के भी हृदय में दया उत्पन्न कर देती, ठीक है। तो एक बार इसको यहाँ तक फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आई बात वन टिनी बास्केट फॉर फ्यू आना, मैंने कुछ आने में एक छोटी सी टोकरी खरीद ली। अनादर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, और कुछ पैसे ज़्यादा देकर एक फल वाली टोकरी भी खरीद ली। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, एक सुंदर सी रद्दी के कागज़ रखने वाली टोकरी खरीद ली, कितने रुपए में, 1 रुपए में। उसके बाद आगे उन्होंने बताया है कि अ लवली सिविंग बास्केट, एक सुंदर सी टोकरी खरीद ली उन्होंने, सिलाई की चीज़ रखने वाली, कितने रुपए में, 1 रुपए में भी खरीद ली। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना आर टू ए पीस, एक या दो आने में उन्होंने पंखे भी खरीद लिए। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे हाथ तो भर गए थे, एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, और मैंने अभी तक 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। आगे उन्होंने बताया है कि द चिल्ड्रन पास, जिन बच्चे मेरे और करीब आ गए, साउटिंग देयर वेयर्स, अपने माल अपने सामान के बारे में चिल्लाते हुए, बातें बताते हुए कि हमारी देखो बहुत ही अच्छी है, इसमें ये लगा, इसमें वो लगा है, ठीक है। तो ऐसे अपनी चीज़ों के बारे में वर्णन करते हुए बच्चे जो थे उनके और करीब आ गए, उनकी हालत हो गई थी जैसे कि ए प्रिजनर, एक कैदी के समान बन गए थे वो, कम्प्लीटली सराउंडेड, पूरी तरीके से घिरे हुए, अनेबल टू मूव, और वो हिल भी नहीं पा रहे थे। द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे ज़्यादा मेहनती, एग्रेसिव, आक्रामक वेंडर, विक्रेता जो थी, सबसे ज़्यादा मेहनती और आक्रामक जो विक्रेता थी, वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 साल की, एक सुंदर सी बच्ची थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो ठीक मेरे सामने खड़ी हुई थी। सी हैड अ लवली बास्केट, उसके पास एक सुंदर सी टोकरी थी विद हैंडल, जिसमें हैंडल लगा हुआ था।
एंड सी वॉन्टेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट, और वह इसके लिए यानी कि उस टोकरी को कितने रुपए में बेचना चाहती थी, एक रुपया और आधा यानी कि 1.5 रुपये में। या फिर अगर बात की जाए अमेरिकन सेंट के अनुसार, अमेरिकन मुद्रा के अनुसार, ठीक है, तो लगभग में कितने 30 सेंट, ठीक है 30 सेंट। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीटर, वह विनम्र निवेदन करने वाली थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे, ठीक है, बहुत ही विनम्र तरीके से निवेदन कर रही थी और उसके हाथ आंखों में जो थे वो आंसू भी थे। तो सी प्लीटेड, उसने विनती की, एंड बेग्ड, और प्रार्थना की, विनती की, ठीक, इसके मैंने एक ही होता, वैसे बेग्ड मैंने आपको बताया कि जैसे नहीं कोई व्यक्ति विनती करता हाथ जोड़कर, ठीक है, उसी टाइप से उस लड़की ने उनसे विनती की और ऐसी आवाज़ में उनसे कहा, उसकी आवाज़ इस टाइप से थी, उसकी आवाज़ में इतना ज़्यादा दुख था, डैट वुड रिंग एनी हर्ट, तो लेखक कह रहे हैं किसी का भी हृदय जो है वो पिघल जाता। उस लड़की ने भीख मांगकर उनसे विनती की और ऐसी आवाज़ थी, उसकी आवाज़ में इतना दुख था, इतना दर्द था कि कह रहा है ऐसी आवाज़ में विनती उसने कर दी कि किसी का भी हृदय पिघल जाता उसके सामने। आगे देखो उन्होंने क्या बताया है, आगे उन्होंने बताया है कि माई आर्म्स, मेरे जो हाथ थे, आर्म्स में भुजाएं होती हैं यानी कि हाथ, मेरे जो हाथ थे वर फिल्ड, वो तो भर चुके थे। उन्होंने कहा मेरे जो हाथ थे वो तो भर गए थे। आई हैड नो रूम, रूम माने यहाँ पर कमरा नहीं, रूम माने जगह, तो मेरे पास कोई जगह नहीं थी। अब कहाँ हम पकड़ते टोकरी पंखों को, सब तो हाथ तो एकदम भरे हुए थे। लेट एलोन, लेट एलोन माने होता है इसके अलावा, एनी नीड, कोई ज़रूरत भी नहीं थी। चार पांच टोकरी खरीद ही चुके थे वो और पंखे भी खरीद चुके थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ तो भर चुके थे और इसके अलावा मेरे पास जगह नहीं थी, दूसरी बात, और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि अब पर्याप्त टोकरी खरीद ही चुके थे वो, ठीक है। फार अनादर बास्केट, दूसरी टोकरी की, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो हाथ थे वो भरे हुए थे, मेरे पास जगह नहीं थी, इसके अलावा मुझे अब कोई टोकरी चाहिए भी नहीं थी क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत की टोकरी जो है खरीद चुके थे। बैलेंसिंग माने व्यवस्थित करते हुए, माई बास्केट, अपनी टोकरियों को एंड फैंस, और अपने पंखों को, ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ पर। तो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी टोकरी उन्होंने खरीदी थी, जितने भी पंखे उन्होंने खरीदे थे, उनको सभी उन्होंने क्या किया, बाएं हाथ पर रख लिया, टोकरी को बाएं हाथ में पकड़ लिया, पंखों को भी बाएं हाथ में पकड़ लिया। आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट, तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो हाथ था वो हाथ अपने दाहिने कोट की जेब में डाला, एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंजेस, चेंजेस माने तो खुले पैसे जिसको फुटकर हम लोग कहते हैं, तो मुट्ठी भर खुले पैसे से निकाले। तो उन्होंने अपनी टोकरियों को और अपने पंखों को अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया और अपने दाहिने कोट की जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भर खुले पैसे निकाले। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, कर लगभग सब मिलाकर 15 सेंट होंगे। विच आई डिपॉजिटेड, जो मैंने रख दिए, जमा कर दिए इन द बास्केट, टोकरी में, लड़की, डैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली, करा जो वो जो लड़की जो थी जो मेरे सामने विनम्रता पूर्वक बड़े ही आदर के साथ जो टोकरी लिए लड़की खड़ी हुई थी, ठीक है, मेरे सामने, तो उन्होंने क्या किया उसकी टोकरी में वो पैसे रख दिए। कौन से पैसे, जो उन्होंने अपने दाहिने कोट की जेब से मुट्ठी भर पैसे जो निकाले थे, खुले पैसे जिसको फुटकर भी कहते हैं, तो उन्होंने निकाले अपने कोट से और उस लड़की की टोकरी में रख दिए। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, ट्राइड मैंने कोशिश की एक्सप्लेन, समझाने की, तो मैंने उस लड़की को समझाने की कोशिश की, डैट आई कुड नॉट बाई, कि मैं खरीद नहीं सकता द बास्केट, टोकरी। तो उन्होंने उस लड़की को समझाया कि देखो बेटिया, मुझे अब टोकरी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट कह रहा बल्कि एक्सटेंडेड मैंने बढ़ाया है द ग्रेट्यूटी, एक उपहार, एक दान, एज ए सब्स्टिट्यूट उसके स्थान पर। तो लेखक ने उसको समझाया कि देखो मुझे टोकरी की कोई ज़रूरत नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हारी टोकरी खरीद नहीं सकता क्योंकि मैंने टोकरी पर्याप्त खरीद ली है। लेकिन उस लड़की की दशा को देखकर उनके मन में दया आ गई, तो उन्होंने क्या किया कि अपने दाहिने कोट की जेब से मुट्ठी भर खुले पैसे निकाले, उसकी टोकरी में रख दिया। तो उन्होंने समझाया कि एक प्रकार का उपहार है तुम्हारे लिए, मेरी तरफ से, मैं तुम्हारी टोकरी नहीं खरीद सकता, इस बात का मुझे अफसोस है, इस बात का दुख है, लेकिन उसकी जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक उपहार दे रहा हूँ। आगे बताया है कि आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया एट वंस, तुरंत, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने क्या अपराध कर दिया है। लेखक कह रहे हैं कि मैंने उस लड़की को समझाया कि मैं तुम्हारी टोकरी नहीं खरीद सकता क्योंकि अब मुझे टोकरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टोकरी ना खरीदने के स्थान पर मैं तुम्हें अपनी ओर से एक उपहार देता हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने उन पैसों को उस बच्ची की टोकरी में रखा, लेखक को ये बात महसूस हो गई कि आखिर उन्होंने क्या अपराध कर दिया है।
ठीक है। तो ये दूसरा वाला जो पैसेज था उसकी बिंदी देख लेते हैं। ये यहाँ से दिया हुआ है कि माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ तो भर चुके थे, आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं थी, लेट अलॉन्ग एनी नीड, इसके अलावा कोई ज़रूरत भी नहीं थी फॉर अनादर बास्केट, दूसरी टोकरी की। उन्होंने कहा टोकरी खरीद चुके थे पर्याप्त, पंखे भी खरीद चुके थे, उनके पास ना तो जगह थी ठीक है, और इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं थी अब उनको टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी टोकरियों को और अपने पंखों को अपने बाएँ हाथ पर संभालते हुए क्या क्या, उन्होंने आई रीच्ड इन टू माई राइट कोट पॉकेट, उन्होंने अपना हाथ अपने दाहिने कोट की जेब में डाला, एंड गाट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर खुले पैसे निकाले। करा परहेप्स 15 सेंट्स इन ऑल, करा शायद सभी को अगर मिलाया जाए करीब 15 सेंट होंगे ठीक है। विच आई डिपॉजिटेड, जिनको मैंने जमा कर दिया इन द बास्केट टोकरी में, डैट द यंग गर्ल, जिसे वो छोटी लड़की हेल्ड मैंने पकड़े हुए थी, इम्प्लोरिंगली मैंने विनम्रतापूर्वक बिफोर भी मेरे सामने। तो लेखक ने कहा कि मैंने अपने दाहिने कोट की जेब में से क्या किया, खुले पैसे निकाले, करा शायद 15 सेंट होंगे सभी मिलाकर, करा उन पैसों को मैंने जमा कर दिया उस लड़की की टोकरी में, जो वह छोटी सी लड़की मेरे सामने खड़ी थी लिए बड़ी ही विनम्रतापूर्वक। आगे उन्होंने बताया कि आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने उसको समझाने की कोशिश की, डैट आई कुड नॉट बाई बास्केट, कि मैं उसकी टोकरी नहीं खरीद सकता था। उन्होंने उस लड़की को समझाया कि मैं तुम्हारी टोकरी नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेट्यूटी, लेकिन मैंने उपहार दिया है तुमको एज ए सब्स्टिट्यूट इसके स्थान पर। तो लेखक ने उस बच्चे को समझाया कि मैं तुम्हारी टोकरी तो नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं टोकरी ना खरीदने के स्थान पर तुम्हें एक उपहार देता हूँ अपनी तरफ से। आगे लेखक ने बताया कि आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, एट वंस तुरंत, तो मैंने तुरंत महसूस किया, व्हाट ऑफेंस, की कौन सा अपराध, क्या अपराध, आई हैड गिवन, मैंने कर दिया था। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने तुरंत इस बात को महसूस किया कि आखिर मुझसे क्या अपराध हो गया था ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी हिंदी मीनिंग अच्छी तरीके समझ में आई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है ठीक है, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं इसके अगले पैराग्राफ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।